चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके में फिर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। पीओके में फिर घुसकर भारतीय सेना ने कार्रवाई की है, आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए हैं। लगातार इन लॉन्च पैड के थ्रू ये आतंकवादी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। भारतीय सेना की ओर से बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है, 5 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज एट रत्नाकर सर, उनसे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी, बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है इस वक्त की, आतंकवादियों के 5 लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई है एयर स्ट्राइक में, क्योंकि लगातार इन्हीं लॉन्च पैड के थ्रू एक्टिविटीज बढ़ रही थी और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आई है। जी निश्चित रूप से, इस कार्रवाई के कई तरीके से इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कश्मीर में क्योंकि पंचायत चुनाव होने और आज जो 4 आतंकवादी मारे गए, उनकी तैयारी देख के निश्चित रूप से लग रहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान पाकिस्तान ने बड़ा खलल डालने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ डेमोक्रेसी घाटी में किसी भी तरीके से मजबूत हो सके। तो ऐसे में भारत ने कार्रवाई करके पाकिस्तान को बहुत क्लियर संकेत दे दिया है कि वो अब अपनी इन हरकतों से बाहर आए। अभी अभिषेक, हमारे पास 5 लॉन्च पैड की खबर आई है, लेकिन आप यकीन मानिए कि कुछ देर बाद में हमें पाकिस्तान में कई जो इस एयर स्ट्राइक में कई दहशत गर्दों के मारे जाने की भी खबर आएगी, क्योंकि ये कार्रवाई जिस तरीके की होती है और जिस लार्ज स्केल पर इनको किया जाता है, उसमें बड़ी संख्या में दुश्मन को ठिकाने भी लगाया जाता है। इसमें एक महत्व की बात और अभिषेक, कि ये ऐसे समय पर किया गया है जब चीन के साथ भारत का तनाव बहुत चरम पर है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना ने चीन को भी एक इससे मैसेज देने की कोशिश की है, सारी दुनिया के सामने तो एक मैसेज इससे बड़ा जाएगा ही जाएगा, लेकिन चीन को भी इससे कि मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उसे भी इसी तरीके के किसी जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने बीच में ये कहा था कि सेना 3 चरणों में पीछे हटेंगी, बाद में ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय मीडिया इस तरीके की अफवाह उड़ा रहा है, हम पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का जो एरिया है वहां पर उसने एक तरीके से कब्जा जमाने की अपनी कोशिश की थी। तो चूंकि इस सारे विवाद में पाकिस्तान चीन का साथ दे रहा था और चीन की ये भी कोशिश है कि हमारे एक और पड़ोसी नेपाल को हमारे खिलाफ कर सके, तो ये सारी कार्रवाई करके पाकिस्तान को तो तगड़ा मैसेज दिया ही गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही साथ नेपाल को और चीन को भी भारतीय सेना ने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है। और आप ये देखिएगा कि इस कार्रवाई का देश में बिल्कुल किसी दीपावली के दोबारा जश्न जैसा स्वागत होगा, क्योंकि जिस तरीके से गतिविधियां पाकिस्तान की रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान के पास भाई सबसे बड़ा मौका था कि पंचायत चुनाव में बड़ी गड़बड़ी करके बड़े पैमाने पर वहां पर वो आतंकी वारदातें करके घाटी के लोगों को अतोत्साहित कर सके, उन्हें डरा सके, अलगाववादी भी इसी चीज में थे। और एक बहुत बड़ा इसका आप इम्पैक्ट अभिषेक ही देखेंगे कि जो गुपकार ग्रुप वहां पर बना है इस समय पर, जो कि तमाम एक तरीके की अलगाववादी गतिविधियां जो लोग चला रहे हैं, जिनका कहना है कि हम इंडिया का झंडा अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे, कश्मीर का ही झंडा हम इस्तेमाल करेंगे, महबूबा मुफ्ती हो गई, चाहे उमर अब्दुल्ला हो गए, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो गए, और भी अलगाववादी नेता, तो उन सबकी इन कोशिशों के खिलाफ भी कश्मीर की जनता के बीच में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई के बाद से लोगों का थोड़ा और डर कम होगा, जो पाकिस्तान के हिमायती हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा थोड़ा सा और बढ़ेगा, और ये एक मैसेज जाएगा कि देश की सरकार पाकिस्तान या उसके सरपरस्तों को उसके सरपरस्ती में पलने वालों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो कार्रवाई आज की बहुत सारे असर आपके सामने लेकर आएगी अभिषेक। रत्नाकर जी, पाकिस्तान की गतिविधियों की अगर बात करें, एक दोहरापन देखने को मिलता है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के संस्थापक हाफिज सईद को एक तरफ 10 साल की सजा सुनाई गई है आज, और दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान बात करती है कश्मीरी लोगों के ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वहीं पर देखने को मिलता है कि फ्री पास दिया जाता है वहां पर आतंकवादियों को टेरर कैंप चलाने के लिए, और एक तरह से कहें कि भारत के खिलाफ जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। ये 5 लॉन्च पैड हालांकि अब ध्वस्त कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार संचालित हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोहरापन है, एक हिपोक्रेसी है पाकिस्तान में कि एक तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आतंकवादियों के खिलाफ है और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण भी दे रही है साथ ही में। नहीं, निश्चित रूप से पाकिस्तान का रवैया उन माँ बाप की तरह, जिनसे अगर आप उनके औलाद की शिकायत करो तो कहते हम घर जाके इसकी जम के पिटाई करेंगे, जो कभी नहीं करते। तो आज जो
जिस आतंकवादी को उन्होंने वहां पर हाफिज सईद को जो सजा सुनाई गई, तो आप ये देखेंगे कि या तो उसे जमानत मिल जाएगा, नहीं तो कम से कम उसकी सजा के खिलाफ इतनी तगड़ी अपील वहां पर की जाएगी। लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब जो बाइडेन अमेरिका में आ गए, बात अलग है कि उनका रुख पाकिस्तान के लिए काफी लचीला रहता चला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में हमने देखा था कि कई सैंक्शन उन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिए थे, लगातार वहां से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने इस बात को उठाया था कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं जो टेरर फंडिंग पर रोक लगाती हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था जी। तो पाकिस्तान हैज बीन एक्सपोज टू वर्ल्ड, लेकिन सवाल ये उठता है कि बावजूद उसके, जैसे अब आज की डेट में उसको चीन की शह मिली हुई है, आने वाले दिनों में हो सकता है जो बाइडेन के चलते अमेरिका फिर से उसको शह देने लगे, या कोई भी ऐसा मुल्क तो ये नहीं चाहेगा कि भारत एक बहुत ताकतवर देश के रूप में उभरे। आज ही अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, अब से कुछ घंटे पहले उसको रिलीज किया गया है जी। उसमें उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत को देख के चीन मानने लगा है कि अब वो अमेरिका के बराबर उसका कॉम्पिटिटर बन गया है। तो ऐसे सारे मुल्कों को जब भी भारत को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश करनी होगी या भारत को परेशान करने की नीयत होगी, तो निश्चित रूप से वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कट्टरपंथ के नाम पर कुछ भी करवाया जा सकता है, भले फिर वहाँ की जनता भूखी मर जाए, वहाँ के आर्थिक संसाधन पूरी तरह चौपट होने की कगार पे आ जाएं। आप याद कीजिए, जब अटल जी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, नवाज शरीफ ने भी उसका विस्फोट मिसाइल परीक्षण किए थे, और अपनी देश की जनता से ये तक कहा था कि यदि भारत के खिलाफ उसे कुछ दिन पेट पर पत्थर बांध के रहना पड़े तो इसके लिए भी तैयार रहे जी। तो एक ऐसा देश जो भारत के खिलाफ जिसकी राजनीति चलती हो, भारत के खिलाफ बोलने पर ही जिसमें लोग नेता बन जाते हो, क्योंकि जाहिलों की संख्या उस देश में ज्यादा है, धर्म के नाम पर गुमराह किए जा सकने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और भारत के विरोध के नाम पर एकजुट किए जा सकने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा। तो ऐसे देश को बाकी के देश अपने हित के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे, तो पाकिस्तान का एक्सपोज हो जाना इज नॉट अ बिग अचीवमेंट राइट नाउ, क्योंकि वो तो हमेशा से एक्सपोज होता चला आ रहा है। तमाम फ्रंट पे हम यूएन देखें, हम जाधव कुलभूषण जाधव केस देखें, सब जगह वो देश एक्सपोज हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं से उसे ऐसी खुराक मिल जाती है जिससे भारत के खिलाफ फिर गतिविधियां संचालित करने लगता है। तो जब तक एक विश्व जनमत उसके खिलाफ नहीं बनेगा, जैसा कि चीन रह रहकर उसको बचा ले जाता है, हाफिज सईद के मामले में चीन ने यूएनएससी में बहुत मदद की थी पाकिस्तान को आतंकवादी की, तो जब तक इस तरीके की गतिविधियों पर एक समन्वित रूप से दुनिया की तमाम महाशक्तियों के एकजुट प्रयास से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, आज की कार्रवाई से पाकिस्तान सहित चीन और नेपाल को बहुत कड़ा मैसेज गया, और इसका आपको आने वाले समय में और अच्छा असर देखने को मिल सकता है। अभिषेक जी, रत्नाकर जी, थोड़ा पीछे चले, इससे पहले जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें जो है बहुत दिलचस्प मामला निकल कर सामने आया था कि पाकिस्तान का उसको लेकर स्टेटमेंट ये था कि एयर स्ट्राइक हुई नहीं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और सीधे तौर से नकार दिया था कि कोई जनहानि नहीं हुई है, और इस तरह की बात कही गई थी और सीधे तौर पर नकारती नजर आई थी। हालांकि बाद में कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसका खंडन किया था और स्पष्ट किया था कि एयर स्ट्राइक हुई थी और कई आतंकवादी मारे गए थे। तो क्या देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का क्या रुख रहता है, क्या स्टेटमेंट सामने आता है, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। निश्चित रूप से अभिषेक, इस बार भी वो इसी तरीके की बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको ख्याल हो जो पिछली एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद ये सामने आया था कि पाकिस्तान में मीडिया के लोगों से कहा गया कि जहां हम आपको वहां ले जाकर सारी चीजें दिखाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया को उन जगहों से तमाम पीछे धकेल दिया गया था जहां भारत ने साबित दावा किया था कि वहां पर उसने कार्रवाई की है। तो पाकिस्तान के पास कोई स्टैंड नहीं है इस किस्म का, उसके पास सिवाय इन घटनाक्रमों पर नेगेटिव राय देने के और कोई विकल्प ना था, ना है और ना रहेगा। भारत की इस अचीवमेंट को पाकिस्तान निश्चित रूप से डिनाइल करने की पूरी कोशिश करेगा, उसके आतंकवादी इसको डिनाइल करने की कोशिश करेंगे, अलगाववादियों के हालांकि काफी हद तक हौसले पर सो चुके हैं बावजूद उसके, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो इन सब के अलावा और कुछ जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने पहले भी इस तरीके की एयर स्ट्राइक वगैरह पर शक जताया था, उनके रुख में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। कांग्रेस की बात अलग है, पिछले कुछ दिनों में उसने अपने कई चीजों पर स्टैंड बहुत तेजी से बदले हैं, सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ आ गई है, राष्ट्रवाद जैसी भी बातें आजकल लोग करने लगी है, तो हो सकता है उसकी तरफ से इस मामले में इतना कोई नेगेटिव रिएक्शन ना है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई जो उसके हार्डकोर जो नेता है, जो उसकी आइडियोलॉजी को अभी भी पुरानी फॉलो करते हैं,
वो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठा सकते हैं। और यदि ये सब बिहार चुनाव के पहले हुआ होता तो ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मोदी ने किया है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले नापाक मंसूबे वालों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को सरकार की तरफ से बहुत सख्त मैसेज दिया जा सके, और आप आने वाले दिनों में अभिषेक इसका असर निश्चित रूप से देखेंगे। शुक्रिया बता कर दियो। सरसों की बड़ी खबर, अभी तक जानकारी मिली है कि करीब करीब 5 ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था भारत के खिलाफ, उनको ध्वस्त कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। एयर स्ट्राइक में करीब 5 ऐसी जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है जिनसे लगातार टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा था। एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय वायुसेना के लिए भी, और आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड तबाह होने के बाद अब यहां पर टेरर एक्टिविटीज में पूर्ण विराम लग गया है, और एक सबक मिलेगा उन आतंकवादियों को जो लगातार यहां पर गलत मंसूबों के साथ घुसने का और अपनी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, पीटीआई के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार जानकारी मिली है, करीब 5 लॉन्च पैड्स को अभी तक ध्वस्त किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। एक बड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना द्वारा और क्षेत्र में अंदर घुसकर 5 लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है।